नमस्कार, BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं कि आज के इतिहास में क्या खास हुआ था। 1900 में आज के दिन जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक ने प्लैंक का नियम प्रतिपादित किया था। इसे ब्लैक बॉडी इमिशन का नियम भी कहा जाता है। नोबेल विजेता भौतिक शास्त्री प्लैंक ने बताया कि अगर कोई काली वस्तु स्थिर तापमान पर रहे तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ने लगती है। प्लैंक के मुताबिक यह रेडिएशन तापमान पर निर्भर करता है, काली वस्तु के आकार या पदार्थ पर नहीं। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक को उनकी क्वांटम थ्योरी के लिए 1918 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैक्स प्लैंक के नाम पर आज जर्मनी में कई शोध संस्थान चलते हैं। इन तमाम मैक्स प्लैंक शोध संस्थानों में अलग अलग विषयों पर रिसर्च होते हैं। प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर कार्य करते हुए एक नया नियम दिया जिसे विन प्लैंक नियम के नाम से जाना जाता है। भारत की इस धरती पर कई ऐसे महान वैज्ञानिक पैदा हुए हैं जो अपनी खोज और रिसर्च से दुनिया के विकास को नई दिशा दी है। इनमें से ही एक थे महान खगोल शास्त्री डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को खगोल शास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर उन भारतीयों में से है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन यानी 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर में जन्मे चंद्रशेखर भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। फिजिक्स पर की गई रिसर्च के लिए उन्हें विलियम ए फाउलर के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 1983 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मद्रास में हुई। बचपन से ही पढ़ाई में तेज रहे चंद्रशेखर का 18 वर्ष की आयु में पहला रिसर्च पेपर इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुआ था। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की डिग्री मिलने तक उनके कई रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुकी थी। बेहद कम उम्र में ही उनका एक रिसर्च पेपर प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी में भी प्रकाशित हुआ था। डर, जिद्दी, बॉर्डर जैसी फिल्मों में अपनी शानदार अभिनय का जलवा बिखेरने वाले अभिनेता सनी देओल का आज के दिन 1956 में जन्म हुआ था। सनी देओल की अब तक की फिल्मी करियर में उन्हें 2 फिल्मफेयर और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। सनी देओल एक भारतीय फिल्म अभिनेता है। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में की हैं। वह घातक, दामिनी और गदर जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। सनी देओल की अब तक की फिल्मी करियर में 2 फिल्मफेयर और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। सनी देओल का जन्म आज के दिन 19 अक्टूबर 1956 को अभिनेता धर्मेंद्र के घर में हुआ था। इनकी माँ का नाम प्रकाश कौर है। इनकी सौतेली माँ हेमा मालिनी भी हिंदी सिनेमा की सफल अभिनेत्री रह चुकी है। इनके एक भाई बॉबी देओल जो की फिल्म अभिनेता है, 2 बहनें और 2 सौतेली बहनें हैं। इनकी सगी बहनें अजीता और विजेता कैलिफोर्निया में रहती है। इनकी सौतेली बहनें ईशा देओल और अहाना देओल हैं। इनके एक चचेरे भाई है अभय देओल जो कि हिंदी फिल्मों के सफल अभिनेता है। 80 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में कई सितारों ने अपने संतानों को बॉलीवुड में लॉन्च किया। धर्मेंद्र ने भी अपने बड़े बेटे सनी को फिल्म बेताब के जरिए अभिनय की दुनिया में प्रवेश दिलाया। एक दिलेर नौजवान की इमेज सनी के लिए लेखक जावेद अख्तर ने गढ़ी। फिल्म सुपरहिट रही और सनी के कदम बॉलीवुड में मजबूती से जम गए। BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।